एक्चुअली मैंने स्कूल से कभी कोडिंग का वर्ड भी नहीं सुना था। आई एम फ्रॉम टायर अच्छा थ्री सिटी, माय कॉलेज वाज इन मेरठ। सो एट स्टार्टअप एंड एमएनसी द ओनली डिफरेंस इज हियर यू नीड टू प्रीफर वेलोसिटी ओवर स्टेबिलिटी, दैट इज वन पॉइंट। यू नीड टू डिलीवर एट पेस एंड यू विल हैव टू बी क्विक एनफ टू रिएक्ट टू एनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। रिमोट बेसिकली डज नॉट मीन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, यू कैन ट्रेवल अलॉट, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन वेयर एवर यू वॉन्ट। पूरा YouTube सर्च कर लो, सबसे बेस्ट रिमोट जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे। और आज एक और अमेजिंग से एक्सपीरियंस आप सभी के लेकर आ गया हूँ, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिमांशु। ओवर टू यू हिमांशु। थैंक यू कुशल फॉर हैविंग मी हेयर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस टू द वाइडर ऑडियंस। सो आई एम हिमांशु शर्मा, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2020। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अ कोविड बैच। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अ टायर थ्री कॉलेज। देर वर नॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्पेशली ऑन कैंपस। सो आई लैंडेड एन इंटर्नशिप बाय ऑफ कैंपस इन अ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। सो देर आई वर्क, देर आई गॉट टू लर्न अबाउट दिस वर्ड रिमोट कंपनीज, वर्क फ्रॉम होम। So then I see like even I was not thinking that it is possible. Then I learned ki yeah, you can do your work even from working from your home with your family. So yeah, then COVID end, all these companies were started calling employees to back to their office, right? So then I thought of going to a fully remote, like remote first company. So I landed in Airbase. Now it's been 1 year here. Enjoying over here, and right now I'm a software senior software engineer over here. गॉट इट गॉट इट। तो हिमांशु एक बात बताओ, पहले तो आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दो कि व्हाट इज लाइक, आप कहाँ से पढ़े हो, कैसा वहाँ पे आपकी जर्नी थी, वहाँ पे आपने कोडिंग कब शुरू करी, कोडिंग का एनवायरनमेंट कैसे था, स्कूल से कोडिंग करते थे, क्या सीन था? सो इट्स अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नेम MIIT मेरठ। तो ओके आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हेयर। एक्चुअली आई लकीली आई गॉट गुड फ्रेंड सर्किल वेयर एवरीवन वाज सो focused and passionate about coding. So during my second year, I got introduced to this web technologies, JavaScript, HTML and CSS. From there only I started learning about web development. So then I did one internship in my college startup only. So one of my senior at a startup called My Shikshak. So where I work as a full stack engineer. Now my development improved a lot after that. Now I'm more confident that I can build full stack project on my own. So that really helped me by cracking off campus placements. गॉट इट। तो आपको, आपने बताया कि आपने पहले एक दूसरी कंपनी में काम किया था, देन यू स्विच टू एयरबेस। करेक्ट। आपको पहली अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, देन एयरबेस की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? हाँ, तो फॉर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कॉलेज में ज्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं थी। तो आई ओनली हैड लाइक वन ऑफ कोर्स ट्राइड ऑफ कैंपस। तो आई ट्राइड, तो एट वंस पहले मैंने पेटीएम का इंटरव्यू क्रैक किया। तो पेटीएम वॉज ऑल्सो गुड कंपनी एंड इट वॉज आई वॉज लाइक रियली हैप्पी आफ्टर क्रैकिंग इट। नाउ आई एम फ्रॉम अ टायर थ्री कॉलेज, आई गॉट टू वर्क विद पेटीएम, दैट इज ऑल्सो वर्किंग एट अ स्केल राइट नाउ एंड इट्स वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल फिनटेक स्टार्टअप। करेक्ट। आफ्टर तो आई दैट वॉज ऑल्सो इंटर्नशिप एंड देन अ फुल टाइम जॉब ऑफर। ओके देन आई बाय लिंक्डइन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ साइबर लैब्स। दे वर हायरिंग एंड इट वॉज अ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, नॉट दैट बिग एट दैट टाइम। वेन आई ज्वाइन देर वन ओनली 60 पीपल अराउंड इन दैट कंपनी। तो ओके आई थॉट कि अभी यहाँ पे कम्प्लीटली स्टार्टअप है नया, दे आर इन बिल्डिंग फेज, द पैकेज वॉज ऑल्सो बेटर देन पेटीएम एंड इवन दे ऑफर मी सम ईशॉप एज वेल। तो मैंने सोचा कि अभी लेट्स ज्वाइन साइवेयर एंड इट माइट गिव मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। तो ओके साइवेयर में इंटर्नशिप था फॉर 4 मंथ्स। आई वर्क देयर, इट वॉज द मोस्ट लर्न लाइक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। देन आफ्टर दैट आई गॉट पीपीओ एंड आई ज्वाइन देम एज अ फुल टाइम लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने फिर वहाँ पे अराउंड 2.5 ईयर फुल टाइम काम किया एंड देन वंस दैट वर्क फ्रॉम होम थिंग एंडेड, देन आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई रिमोट कंपनीज ओनली, बिकॉज दे आर व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी एंड योर इफिशियंसी एंड इवन यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल एंड डू समथिंग। Then I करेक्ट। thought कि let's find remote companies. So from there I found about Airbase, like the culture they are built, the value they are adding to people's life. So one of my friend was working over there, and I always heard about all the good things about him from about Airbase, like the policy they had,
the work culture, the like async communication, because in remote setup, you will need to have certain policies about remote, right? Okay. So if I tell you, there are some companies that went remote right after the COVID, but there were some companies, those were remote from starting. Airways was one of them. So they were offering remote work culture even from starting ones, they started their development and all, like setting there. So by following these like policies and everything, so I asked for referral to my friend. He added my profile. Then after, I guess, 7 to 8 round, mostly technical were 3s, but non-tech round were many, because it's really important to hire a good candidate when you're hiring for a remote setup, because you won't be seeing it regularly, right? You always to check their mindset, their behaviors, and so that was the process. So, एक बात बताएं अंशु, जब आपकी ये जॉब हंट शुरू हुई रिमोट स्टार्टअप में, आज की डेट में ना दो डाउट्स आते हैं बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे पास सफिशिएंट स्किल्स हैं क्या? तो आपको कब कॉन्फिडेंस आया कि यार मेरे जो स्किल्स हैं वो इतने केपेबल हैं कि मैं एक स्टार्टअप में काम कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया? सेकेंडली, जो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा वो है कि आप रिमोट स्टार्टअप्स को ढूंढने के लिए क्या अप्रोचेस करते थे? ओके, सो फॉर फर्स्ट वन, लकीली आई वॉज वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप ओनली फ्रॉम स्टार्टिंग. तो मैंने कॉलेज के बाद से स्टार्टअप कल्चर में काम किया था. तो आई वॉज वेल नोन अबाउट थिंग्स वी नीड टू डू. सो एट स्टार्टअप एंड एमरजेंसी, द ओनली डिफरेंस इज हियर यू नीड टू प्रीफर वेलोसिटी ओवर स्टेबिलिटी. दैट इज वन पॉइंट. यू नीड टू डिलीवर एट पेस एंड यू विल हैव टू बी क्विक एनफ टू रिएक्ट टू एनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. इट डज नॉट लाइक यू हैव टू डू इट क्विकली, बट यू शुड हैव अ मेंटल मॉडल. या इफ समथिंग थ्रोन एट मी, I will be able to do it, or I will be able to solve it in much better way. So that was my mindset. And about the second question, so yeah, cold emailing works. Even if you are on a job hunting, Googling is the most important skill, right? So you need to have mastered this skill. Let's say you have targeted some companies, you shortlisted ki, yeah, these are my companies, and now you have to see whether they offer remote or not. So one of the best tip is you should go on a Google, type career at the rate company name to check their career page, whether it's any opening there or not on their career page or not. If there is no opening, maybe you can then try on LinkedIn by contacting their employee. So agar aap unse baat karte ho to aapko bahut ideas milte hain ki kaise matlab company kaam karti hai, kaise kaise log pe kaam kar rahe hain. And to work in a remote environment, one pro tip that I want to tell you, you should check all the managers working over there, because in remote setup, it will be the manager only who will help you, who will define your career path, who will help you improve in your career later, and both personally and professionally, how you can improve, you can build your career, you can learn about new things. So search about those people who are working over there, then contact them, cold email them, send message over LinkedIn. And even you can try platform like remote.com or angel.co. But I'll still say LinkedIn is the best platform when you are doing your job hunting. Got it. So LinkedIn ने आपकी बहुत help करी है इसका मतलब. Definitely मैं सबको यही recommend करता हूँ कि LinkedIn एक ऐसा platform है जहाँ आप directly interact कर सकते हो potential recruiters, employers, hiring managers के साथ. बहुत सारे ऐसे hacks भी हैं जो हमने बहुत सारे दूसरे videos में share करे हुए हैं. तो अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की, जो कि एयरबेस में थी, आपने बताया बहुत लंबी चौड़ी हायरिंग प्रोसेस थी. सो आई विल टेल यू वन थिंग, सो लेट्स रिमूव द टर्म रिमोट फ्रॉम हियर. व्हेनेवर यू आर डूइंग द जॉब हंटिंग एंड यू आर अप्लाइंग इन कंपनीज एंड गिविंग इंटरव्यूज, सो आइदर इट्स कन्वेंशनल जॉब और रिमोट जॉब, इंटरव्यू प्रोसेस विल लुक मोस्टली द सेम. इट वॉन्ट बी हैविंग मच डिफरेंस, राइट? करेक्ट. सो एट एयरबेस, फर्स्ट राउंड वॉज योर प्रोफाइल स्क्रीनिंग राउंड, लाइक योर रिज्यूमे गॉट सेलेक्टेड और नॉट. After that, there will be one hiring manager round where you will be having discussions around ki what you have done in your past job, the project that you have built, what are your expectations from Airbase, what you want to achieve, what you want to do, and how you want to do. So that was first round. After, obviously, HR round, second round will be hiring manager round. Then after that, your technical interviews will start. So I'm mostly doing front end in Airbase, but the process of front end is there will be two technical rounds and one will be home assignment round. So you will give in a problem statement, you need to build some kind of UI, that will be your home assignment round. And then technical, so first will be your LLD round and second will be your HLD round. It will be same for backend as well. So at Airbase, we do not ask like DSA, like extensive DSA questions, like you need to
to code chef or code forces or even lead mm-hmm. code at a artist level. So mm-hmm. you might need to implement some algorithm or DSA, but it won't be a direct question ki you need to solve this problem. Got but, it. Intro process look like. After mm-hmm. that, you will have some values discussion, like what values you hold, what is airbase expectation from you, and how you want to justify those things. And mm-hmm. then last, I had a round with my CEO where we discuss about work culture and everything else. Okay. तो एक बात बताओ हिमांशु, आपने देखा होगा कि रिमोट स्टार्टअप्स में जनरली ये ट्रेंड रहता है, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि अगर आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है बैकग्राउंड, तभी जाकर आपको एक अच्छे रिमोट स्टार्टअप में एक अच्छी जॉब मिल सकती है. बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया, देन ओनली दे गॉट दिस रिमोट अपॉर्चुनिटी. वॉट वॉज योर केस और क्या ये मैंडेटरी है? क्या बिना ओपन सोर्स के भी रिमोट स्टार्टअप में जाया जा सकता है? ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. लाइक इट्स अ गुड टू हैव स्किल इफ यू हैव डन सम काइंड ऑफ जीसॉक और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. इट्स लाइक ऐड अ रियली रियली मच वैल्यू इन योर रिज्यूमे. लाइक इट विल हेल्प यू अ लॉट, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग. या यू नीड टू हैव दिस और देन यू कैन अप्लाई फॉर रिमोट जॉब. यू शुड हैव मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ द स्टार्टअप दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. एंड डू नॉट रश फॉर एवरी कंपनी. सी व्हाट द कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज देयर मोटो, what are their plans, and if they have some future goals as well, like what they want to achieve once they build the product. So keep these things in your mind, especially when you are selecting a startup. तो एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया रिमोट स्टार्टअप में सैलरी नेगोशिएट कैसे करें? मतलब पैंग आज की तारीख में इंडिया में अगर हमें 15 से 20 लाख का बेस दे रहा है और मैं अगर रिमोट स्टार्टअप में जा रहा हूँ, या फिर कोई भी जनरल कंपनी है मेरे को यू नो इस रेंज में ऑफर देती है, अगर 13 से 20 लाख के बीच मेरा बेस है, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक रिमोट स्टार्टअप में? बिकॉज एक बहुत हाइप भी बनी हुई थी पहले कि भाई 40 लाख का बेस भी मिल जाएगा अगर कॉलेज से निकल रहे हो उसमें भी, विच आई डोंट थिंक इज रियल टुडे लुकिंग एट द इकोनॉमिक कंडीशंस, बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सो इफ आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एट साइवियर, दैट वाज आल्सो अ स्टार्टअप. सो व्हेन आई जॉइन देयर वर 60 एम्प्लॉइज, राइट, एज आई टोल्ड यू. व्हेन आई लेफ्ट देयर वर अराउंड 250 टू 60 एम्प्लॉइज. So my company growth around 4 times, right? Even my salary grew by that amount at that time. So उस time पे भी मेरी salary around 30K आसपास थी, 30 के range में थी, 30 LPA. So when I joined Airbase, I didn't get like huge hike because I was not expecting that as well. So and I was getting remote opportunity. Airbase had a like really really good work culture. Everything was meeting my expectations. So I joined close to the one that I was getting earlier. Maybe slightly higher than that, but some other options, like I was getting ESOPs, insurance for my family, for me, health insurance, term insurance, OPD covered, other benefit, like you will get CureFit membership, you will get a lens card, coupons and all. And okay. there were like lot of things, even PF contribution there from their end as well, half and half will be from your end. So these are some really good benefits, even there are many that I am not recalling right now. Yeah. तो डेफिनेटली एयरबेस आज की डेट में एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश रिमोट स्टार्टअप है. एंड जैसे कि आपने बताया, ये वो सारे फीचर्स हैं जो जनरली रिमोट कंपनीज ऑफर नहीं करती इनिशियली, बट सिंस एयरबेस इज ऑफरिंग, दे डेफिनेटली हैव अ ग्रेट कल्चर. और इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है एक यू नो इट्स मोर अराउंड जो बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. ये तो आपने जो भी पर्क्स बता दिए, इसके अलावा क्या पर्क्स होते हैं रिमोट जॉब्स के, थोड़ा और बताओगे? हाँ, तो अभी जो मेरे को लगता है अबाउट इन माय ओपिनियन इन माय एक्सपीरियंस, सो यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इवन अ लॉट ऑफ मनी. सो माय मिशनलेस एक्सपेंसेस आर लाइक क्लोज टू जीरो. आई डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू एनीवेयर, आई डू नॉट हैव टू पे रेंट. सो आई एम एबल टू सेव एटलीस्ट 90% ऑफ माय सैलरी. सो एज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ टाइम, आई हैव लर्न न्यू स्किल्स. आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, आई लर्न अबाउट ट्रेडिंग, नाउ आई एम लर्निंग चेस. So these are the skills that I'm enhancing because of the time I'm getting, and because I'm working from home, so I do not have to worry about these extra factors as well. Remote basically does not mean work from home. You can work from anywhere. Yeah, you can travel a lot. You can work from any remote location wherever you want. You just need a laptop and an internet connection. Then yeah, you are done for the day. There will be flexible working hour. So it does not look like you have to sit at 9 a.m. strictly and you have to wrap up your task till 6 p.m. So it does not look like. You can start any time which is comfortable for you, and it's aligning with your team, the project that you are working on, and you can set those times on your Google Calendar as well. And it does not look like वो ऐसे भी नहीं होगा कि आपको
बताना है कि अभी आई एम गोइंग आउट, ये है वो. यू जस्ट नीड टू अपडेट योर स्टेटस ऑन स्लैक और गूगल कैलेंडर एंड इट विल ओके, बी डन. ड्यूरिंग द होल थिंग आपने डीएसए पढ़ा होगा, आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो जैसे आपने करी, तो थ्रू आउट आपने कौन से रिसोर्सेज यूज करे, उनके नेम मेंशन कर सकते हो क्या, पेड थे? सो अबाउट रिसोर्सेज, सो आई स्टार्टेड विथ सिंपल, लाइक आई वॉज एक्सप्लोरिंग मोजिला. देर लाइक देर इज एम डी एन डॉक्यूमेंटेशन फॉर जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल. आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. देन आई जावा स्क्रिप्ट फ्रॉम लाइक रिमोट सोर्सेज. देर वॉज ऑल्सो दिस कोड अकेडमी आई गेस. देर वॉर सम फ्री चैलेंजेस. देन आई डिड सम यूडेमी कोर्सेज एज वेल. आफ्टर दैट एस्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट दे आर सम ग्रेट यूट्यूब चैनल लाइक अक्षय सेन. ऑब्वियसली या देर इज दिस डेव टूल्स डॉट टेक दैट यू कैन ट्राई वेन वेन यू वॉन्ट टू सॉल्व सम टेक्निकल क्वेश्चन. यू कैन ट्राई दैट एज वेल. इट्स इट हैज सम रियली गुड कॉन्टेंट. एंड देर वॉज वन रोड साइड कोडर. देर इज अ गाय नेम पीयूष अग्रवाल. ही हैज चैनल रोड साइड कोडर. इट हैज ऑल्सो सम रियली गुड कॉन्टेंट. यू कैन ट्राई दैट एज वेल. एंड फॉर माई डी एस ए आई सिंपली डिड लीड कोड. आई सॉल्व अराउंड 200 to 250 क्वेश्चन इन डी एस एल्गोरिदम्स. And to learn that, I even tried these geeks for geeks to learn about the patterns and all. And also one pro tip about using LeetCode, there is this discussion section, right? So, and there is, here you can find a lot of good articles about a pattern to solve a problem solution and patterns, even interview experiences you can find over there. So it has some content. तो हिमांशु, हमने सारी अच्छी बातें कर ली, क्या बुरी चीजें हैं, बातें हैं रिमोट जॉब्स के रिगार्डिंग? I have heard this from lot of people ki interaction with your colleague will be limited. Like you won't be getting chance to meet them in person so frequently. Although companies are doing this off-site sometimes like on-site, but it won't be that frequent. So if you are a guy who want to interact with everyone and you want to have a dedicated like team to go out and like have fun, then you might be finding it a bit challenging. Yeah. Second will be your basically visibility among cross squads. Let's say there's one squad, then there is second team, then there is third team. So you want to be aware about what's happening in third team and what's happening in third, second, and your interaction with the other team member will be close to zero. So companies are doing things to improve it. Like at Airbase, we have some kind of front end and back end guild. We have some learning sessions on each week, like on, I guess, Wednesday of every week, where whole team goes together and they discuss a great problem statement or what they have done, like to basically improve the communication. And each squad will have on a time, dedicated time where they discuss everything apart from work, like what they are doing and what they have done today, something like that. Like it's on chai pe charcha kind of thing. Nice, nice. Yeah, definitely aise initiatives companies le rahi hain to get to, you know, experience better se better banane ka. Thanks a lot Himanshu, bahut hi detailed cheeze aapne share kari, apna experience share kiya. I hope sabko maza aaya hoga. Aap log aur bhi question pooch sakte hain Himanshu se, unke jo social handles hai main description mein mention kar dunga. Mere liye koi doubt hai to aapke liye comment section khula hua hai. Milte hain aise ki kisi video mein, tab tak ke liye bye bye, take care. Thank you Himanshu. Thank you.